हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम जो है वो अब दो दिन का हो गया है, दो दिन हमारा पेपर हो गया। तो अब हम सबके मन में ये डाउट है ना कि हमारे अटेम्प्ट सेफ हैं, है ना, गुड अटेम्प्ट हैं या नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे डायरेक्ट, है ना, कि आपके कितने अटेम्प्ट रहे हैं ताकि आप सेफ रहने वाले हैं यहाँ पर। चलिए सर, एक बार कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को? नहीं सर, कुछ नहीं, बस यही कमेंट आ रहे थे तो एक बार बच्चों को बता देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। चलिए बताइए, अब देखिए जो सेफ अटेम्प्ट है सर, कितनी डेट का है, थोड़ा सा एक बार ये बता दीजिए। एक्चुअली देखो, आप जो है दो दिन का एग्जाम आपका हो गया है ना, 2 मार्च को और 3 मार्च को। उस तरीके से अगर हम देखें तो आज तक दो दिन में अगर हम बात करें, दो दिन में बच्चे ने क्या अटेम्प्ट किया है उसके हिसाब से, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं इस नंबर के आसपास, जो नंबर लिखा गया है इसके आसपास वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो हम सेफ इसी को मान के चलेंगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर मैथ की बात करें तो 30 सवाल में सर कितने कर रहे हैं, लगभग 22 से 25 कर रहे हैं, है ना। अगर 22 23 सवाल है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में थोड़ा सा इजी पेपर भी है, तो आराम से 25 26 सवाल जो है वो कर पा रहे हैं यहाँ पर। इंग्लिश की बात करें तो 30 से 35 सवाल, है ना, 32 कर लो 30 कर लो, इतने कर पा रहे हैं वो, सही सही कर पा रहे हैं। जीके जीएस की बात करेंगे तो 25 में से करीबन 12 सवाल 13 सवाल 14 सवाल क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट आ रहा है ना, तो बच्चों को दिक्कत हो रही है। और कंप्यूटर में भी वहां पर भी 20 सवाल है, तो वहां भी करीबन 12 सवाल 13 सवाल ही कर पा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो जीके जीएस कंप्यूटर है वो थोड़ा सा टफ आ रहा है। तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर वो वाला नहीं है कि बेटा फुल फॉर्म पढ़ के चले जाओ या बेसिक सा, थोड़ा डीपली अंदर से पूछ रहा है। Exactly. अगर मैं टोटल ऑल ओवर बात करूं तो सर कितना जा रहा है, थोड़ा सा एक बार उस पे भी फोकस कर। ओवरऑल अटेम्प्ट अगर आपका 105 से 115 के आसपास में अगर हो रहा है तो आप अपने अटेम्प्ट को अच्छा मान सकते हैं। जैसा कि एग्जाम पेपर हो रहा है और स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पा रहे हैं उसके हिसाब से 105 से 115, अगर आपने 110 किया है, 115 किया है, काफी लोगों ने 120 भी किया है, तो वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है। और ये सेफ अटेम्प्ट है, स्कोर नहीं है, क्योंकि एक कभी आप सोचो कि 3 नंबर मिलने के बाद ये एक क्वेश्चन 3 का होता है, इतने क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो पेपर में, सेफ अटेम्प्ट है। तो यही आप असमंजस में थे कि सर 2 और 3 का क्या है, बार बार कमेंट भी आ रहे थे, तो एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना दी। तो सर यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो आज के सेशन को बेटा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।